हेलो दोस्तों, मैं तासा रेजी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल तासा दी प्रेरणा पर। पिछले एपिसोड रेलगाड़ी का भूत में हमने जाना था कि नरेश सक्सेना की लात बिजली की तरह लहराती है और राजपाल के पेट में ऐसी ठोकर मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। नरेश बड़े आराम से मुस्कुराता हुआ बोला, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा तुम मेरे लिए क्यों काम करोगे। अगर ना आया हो तो एक हाथ और जमाऊं। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना ही काफ़ी है, राजपाल अपना पेट सहलाता हुआ बोला। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस ट्रेन को ढूंढने में मैं तुम्हारी क्या सहायता कर पाऊंगा, क्योंकि जो भी कुछ मैं जानता था वो सब तो अखबार में छुप चुका है। कलकत्ते में फिर नरेश के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आती है और वो पूछता है, क्या तुम जानते हो कि इस समय तुम कहाँ हो? नहीं, इस वक्त तो तुम दारागंज में हो, लेकिन 3 दिन पहले तुम कलकत्ते में थे। सुनकर राजपाल का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। यानी वो अपने आप को संयत रखने की कोशिश करते हुए बोला, यानी पिछले 3 दिनों से मैं बेहोश हूँ और तुम मुझे बेहोशी की हालत में कलकत्ता से दारागंज लाए हो? होश में लाता तो तुम कुछ गुलगपाड़ा मचाने की कोशिश ना करते? इसीलिए बेहोशी की हालत में लाया तुम्हें। लेकिन मेरा सामान कलकत्ते के जिस होटल में है, मैं बिना कुछ कहे सुने वहाँ से गायब हो गया हूँ, तो होटल वालों ने अभी तक पुलिस को खबर कर दी होगी। तुम शायद जानते नहीं, पहले नरेश सक्सेना को उसने कहते हुए सुना, मुझ में गिद्ध जैसा धीरज, लेकिन मौका मिलते ही शिकार पर बाज की तरह झपटना भी जानता हूँ मैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, राजपाल ने एक लंबी सांस के साथ हताशा भरे स्वर में बोला। मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ गलत सोच रहे हो। राजपाल ने चौंक कर नरेश सक्सेना की ओर देखा। नरेश सक्सेना उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम सोच रहे हो कि मौका मिलते ही तुम अपना खेल खेल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सावधान किए देता हूँ कि भूल कर भी ऐसी कोशिश ना करना, अन्यथा तुम व्यर्थ ही 2 निर्दोष व्यक्तियों की मौत का कारण बन जाओगे। राजपाल ने एकदम चौंक कर उसकी ओर देखा। नरेश सक्सेना उसकी आंखों में झांकता हुआ एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, तुम्हारी वो राजापुर वाली माशूका उर्मिला और उसका बाप शिवेन वैद्य दोनों इस वक्त मेरे कब्जे में हैं। मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो तो अपनी आंखों से चलकर देख लो। मैं तो अपनी मूर्खता के कारण इन बदमाशों के चंगुल में फंस गया, शिवेन वैद्य ने निराशा से सिर हिलाता हुआ बोला। वो कैसे? राजपाल ने पूछा। नरेश सक्सेना ने दरवाजे के एक सुराग से उन दोनों को दिखा दिया था। राजपाल ने जब मिलने की इच्छा प्रकट की तो उसने उसे आधा घंटे का समय दिया। उसे देखकर शिवेन वैद्य या फिर उर्मिला ने कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, बल्कि शिवेन वैद्य बोला, मुझे बता दिया था इन बदमाशों ने कि तुम भी इनके जाल में फंस चुके हो। बातें शुरू हुई दोनों में, लेकिन ये लोग चाहते क्या हैं? हम लोगों से उस रेलगाड़ी का पता निकलवाना चाहते हैं, मगर हमें क्या पता वो रेलगाड़ी कहाँ है? इन लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह हम लोगों ने अपनी खोजबीन से ये साबित कर दिया है कि रेलगाड़ी उस टूटे हुए पुल से गुजरकर नदी में नहीं गिरी, उसी तरह शायद ये भी खोज निकालें कि फिर वो रेलगाड़ी गई कहाँ। चलो मान लो कि रेलगाड़ी खोज भी ली, तो ये लोग उसका करेंगे क्या? रेलगाड़ी का कुछ नहीं करेंगे, इन लोगों को तो उसमें लदा हुआ 20 करोड़ का सोना चाहिए। क्या? शिवेन वैद्य का मुँह आश्चर्य से फटा का फटा रह गया। तभी दरवाजे पर एक दस्तक पड़ी और राजपाल बोला, लगता है इन लोगों ने बात करने का जितने समय दिया था वो पूरा हो गया है। आप मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये लोग जैसा कहते जाएं वैसा ही करते रहिएगा। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत मत करिए जिससे उत्तेजित होकर ये लोग आप दोनों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाएँ। दरवाज़ा खुला और राजपाल उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। तिरछी नज़रों से उसने उर्मिला को देखा, लेकिन वो सिर झुकाए अपने पैर का अंगूठा सहला रही थी। राजपाल उसी कमरे में लौट आया जिसमें वो होश में आने के बाद
नरेश सक्सेना से बातें करता था। वहाँ भी उसे न पाकर उसने लगातार अपने साथ लगे हुए श्यामलाल से पूछा, नरेश कहाँ है? कहीं बाहर गए हैं। और आप? मेरा नाम श्यामलाल है। नरेश, और आपका साथ कितना पुराना है? बातचीत चालू रखने के उद्देश्य से उसने पूछा। मुझे अजनबियों से फालतू बातचीत करने की आदत नहीं है। ये रूखा सा जवाब सुनकर राजपाल चुप हो गया। अब नरेश सक्सेना जब लौटा तो रात के 9 बज रहे थे। आखिर मैंने ये पता लगा लिया कि रेलगाड़ी कहाँ है? वो उस समय तक बुरी तरह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसका उल्लास और उसकी प्रसन्नता उसके पोर पोर से टपक रही थी। आते ही उसने ये वाले शब्द कहे जिन्होंने एटम बम जैसा विस्फोट किया। सुनकर राजपाल और श्यामलाल दोनों ही बुरी तरह उछल पड़े। कहाँ है रेलगाड़ी? श्यामलाल ने एकदम बेताब होकर पूछा। इतने बेताब मत बनो श्यामलाल, ज़रा बोतल तो निकाल कर लाओ, गला खुश्क हो रहा है। श्यामलाल फौरन विस्की की बोतल और 2 गिलास का प्रबंध करता है। नरेश सक्सेना गिलासों में विस्की उड़ेलने लगा। रेलगाड़ी कहाँ है? श्यामलाल अपनी बेताबी पर काबू रखने में असमर्थ सा लग रहा था। ईजी माई डियर श्यामलाल, ईजी, नरेश सक्सेना आनंदित स्वर में बोला। ज़रा इस रिपोर्टर की खोपड़ी की भी तो तह लें कि रेलगाड़ी का पता कैसे लगाता है। नरेश की बातों ने राजपाल की खोपड़ी तो घुमा ही दी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी उस रेलगाड़ी का पता लगाने में कैसे कामयाब हो गया। नरेश की उस बात ने उसे बुरी तरह चकरा कर रख दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नरेश सक्सेना ने उस रेलगाड़ी का पता कैसे लगा लिया। जब तक नरेश ने एक साथ कई बड़े बड़े घूंट भरकर अपना गिलास खाली कर दिया था। गीले होठों पर जबान फेरने के बाद सिगरेट को सुलगाता हुआ बोला, हाँ तो रिपोर्टर, अब तुम बताओ कहाँ हो सकती है गाड़ी? जब तुमने उसका पता लगा ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी खोपड़ी में एक बहुत ऊंचे दर्जे का दिमाग बंद है, नरेश उसकी ओर एक अजीब सी दृष्टि से देखता हुआ बोला। जिस रहस्य को मैं अपने 20 साल की मेहनत के बाद भी नहीं जान सका, तुम्हें उसका कुछ ही दिनों में पता चल गया? उसी की सहायता से मैं ये पता लगाने में कामयाब हुआ हूँ कि रेलगाड़ी कहाँ हो सकती है। कहाँ हो सकती है या कहाँ है? कहना तो मैं कहाँ है चाहता हूँ। अभी मैंने ये स्थान देखा नहीं जहाँ रेलगाड़ी बंद है, लेकिन उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाया हूँ, इसलिए हो सकती है कह रहा हूँ। राजपाल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था कि नरेश सक्सेना बिना उसकी सहायता के रेलगाड़ी को इस तरह ढूंढ निकालने में सफल हो गया, जैसे वो आसपास ही कहीं झाड़ियों में छुपी पड़ी थी। झाड़ियों में? इसके साथ ही राजपाल की अक्ल के पहिए सकारात्मक ढंग से घूमने शुरू हो गए। उस खोई हुई रेलगाड़ी की तलाश में उसने अपने दिमाग की पूरी रेलगाड़ी चलानी शुरू कर दी। नरेश सक्सेना के सवाल के जवाब में वो विचारपूर्ण स्वर में बोला, जाहिर है कि अगर रेलगाड़ी दारागंज से चलने के बाद राजापुर नहीं पहुंची तो इतने ही बीच में कहीं गायब हुई होगी ना। अब रेलगाड़ी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसे आराम से उठाकर किसी अन्य वाहन पर लादा और चल दिए। ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसे ज़मीन में चला कर ले जाया जा सके। तो जाहिर है कि रेलगाड़ी को मुख्य लाइन से हटाकर या तो कोई नई रेल लाइन डाली गई थी या फिर जो पहले से ही मौजूद थी। राजपाल समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हुआ बोला, अब अगर इस इलाके का नक्शा मिल जाता तो हमें उन जगहों का पता लगाने में बहुत आसानी हो जाती जहां रेलगाड़ी को छुपा कर रखने की संभावना हो सकती है। वो सब सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, नरेश सक्सेना उसके गिलास में विस्की डालता हुआ बोला, वो सब मेरे लिए रहने दो। जिस ढंग से तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसे ही मैं भी सोच रहा था, और फिर आज शाम को मैं जनार्दन बाबू से मिलने के लिए गया। जनार्दन बाबू? अरे वही जो सन 42 में वहाँ के स्टेशन मास्टर थे। तुम भी तो उनसे मिल चुके हो। उनसे मिला तो सारी समस्या अपने आप ही सुलझ गई। वो कैसे? उन्होंने मुझे उस दूसरी लाइन का पता बता दिया। राजपाल का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर जनार्दन बाबू ने उसे दूसरी रेलवे लाइन का जिक्र किया होता तो
उसने अब तक इस समस्या को संपूर्ण रूप से सुलझा लिया होता। कम से कम नरेश सक्सेना तो बाजी ना मार गया होता। आधा घंटे के बाद श्यामलाल नरेश के कमरे में पहुंचा। उसे एक बड़े से कागज़ पर कुछ लिखते हुए पाया उसने। राजपाल को खाना खिलाने और बेहोशी का इंजेक्शन देने में इतना ही वक्त लगा था उसे। इस बीच नरेश ने एक पैक भी पूरी तरह ख़त्म नहीं किया था। हाँ, एक फुल स्केप कागज़ पर अवश्य कुछ लिख रहा था वो। ये क्या लिख रहे हो? पहुँचते ही श्यामलाल ने पूछा। लिस्ट बना रहा हूँ। किस चीज़ की लिस्ट? उन चीज़ों की जो उस रेलगाड़ी तक पहुँचने में हमारी सहायता करेंगी। क्या वाकई वो रेलगाड़ी मिल गई? तुम्हें अभी भी शक है क्या? कुछ यकीन सा नहीं आ रहा। श्यामलाल ने अपने गिलास में विस्की डाली और बोला, 20 साल की निरंतर असफलता के बाद इस तरह अचानक एकदम? तिल के ओट में पहाड़ छुपाता प्यारे। नरेश अपना गिलास खाली करके फिर से विस्की भरता हुआ बोला, तिल इस छोकरे ने हटा दिया और पहाड़ हमने देख लिया। रेलगाड़ी है कहाँ? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 8-10 मील के फासले पर होगी। उस स्टेशन मास्टर ने जब मुझे नई लाइन का सूत्र बताया तो मैंने फौरन एक साइकिल किराए पर ली और रेलगाड़ी के साथ होता हुआ अपनी मंजिल को देखाया। तभी तो मुझे लौटने में इतनी देर हो गई। जब उस रेलगाड़ी का हमें पता लग ही गया है तो इन लोगों को कैद में रखने की क्या ज़रूरत है? तो क्या छोड़ दिया जाए ताकि ये लड़का पूरी दुनिया को ये बता दे कि रेलगाड़ी कहाँ है? मालूम करते देर लगेगी क्या? तो फिर क्या किया जाए इन तीनों का? श्यामलाल ने पूछा। कत्ल कर दें क्या? वही करना होगा, मगर अभी नहीं। वो क्यों? अब भला इन लोगों का हमारे लिए उपयोग ही क्या है? जब तक रेलगाड़ी ना मिल जाए तब तक कत्ल वत्ल का झमेला करने से कोई फ़ायदा नहीं। उस तक पहुंच जाएं, तब इन्हें भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। अभी तो हम अपनी सारी शक्ति सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित करते हैं। लौटेंगे कब तक? कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ? क्या वास्तव में 20 साल पुराना रहस्य खुल गया? क्या वास्तव में रेलगाड़ी का पता लगा पाया था नरेश? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा डेजी आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, अपने पसंदीदा चैनल तासा दी प्रेरणा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।